हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स की सीरीज में 16th ऑफ दिसंबर पे हम पहुंच चुके हैं और देखते हैं आज जो इम्पोर्टेंट 10 टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके ऊपर जो एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं। तो आज हमारा डिस्कशन जो है वो रहने वाला है फूड इन्फ्लेशन को लेकर। देन इसके बाद गटका मार्शल आर्ट के बारे में जानेंगे। वैसे आपका आर्ट एंड कल्चर का एरिया है ये, लेकिन मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स में कुछ भी ऐसी चीज अपीयर होती है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। देन गैम्बलिंग बेटिंग के ऊपर भी एक क्वेश्चन हमने देखना है। बोर्डोस के बारे में भी हम एक एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। देन स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में जानेंगे। देन साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए नहीं होने चाहिए इसका कंसर्निंग एमसीक्यू है। 3D प्रिंटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक एरिया है। एंड देन शक्ति बिल जो है इसके बारे में जानेंगे। मेरिस्टिका स्वाम्प ट्री फ्रॉग के ऊपर भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_luthra पे मुझे टेलीग्राम कर दीजिएगा। जो नेटमोक आईएस की एप्लीकेशन है ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बिकॉज नाउ नेटमोक आईएस के ऊपर आपको एक करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो डाली जा रही है। अभी आई थिंक विद इन 2 डेज ये चली जाएगी कंप्लीटली, और वहां पे इन एमसीक्यूज को जो कि 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं, यहाँ पे 6 से ज्यादा एमसीक्यूज जो है आपको करेक्ट करना है टू बी इन द सेफ जोन। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन बात करता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बेसिकली इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है जहां पे इन्फ्लेशन को लेकर बात करी गई है। पहले स्टेटमेंट कहते हैं द फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन फ्रॉम वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो जो फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन होता है ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, हेडलाइन इन्फ्लेशन का। हेडलाइन इन्फ्लेशन एज द नेम सजेस्ट इज द टोटल इन्फ्लेशन फॉर द पीरियड कंप्राइजिंग अ बास्केट ऑफ कमोडिटीज। तो कुछ कमोडिटीज होती है जिसको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है जो पैरामीटर्स की तरह फॉर्म करती हैं, और उसके बेसिस पे हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है वो निकाला जाता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स वॉलेटाइल गुड्स फ्रॉम द बास्केट ऑफ कमोडिटीज ट्रैकिंग कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या करता है, वॉलेटाइल गुड्स को बाहर करता है, एक्सक्लूड करता है अपनी बास्केट ऑफ कमोडिटीज से, ताकि कोर इन्फ्लेशन को ट्रैक किया जा सके। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, न्यूज में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली बताया गया कि जो इंडियन रिटेल इन्फ्लेशन है जो कि बेसिकली हमारे सीपीआई पे बेस्ड रहता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर, यहां पे देखा गया कि थोड़ा सा डिक्लाइन आया है जो कि एक अच्छी खबर है। लास्ट टाइम ये 7.61% था, इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखा गया, अभी 6.93% नवंबर के अंदर इसे रजिस्टर किया गया। तो अगर नीचे जा रहा है इन्फ्लेशन तो ये एक अच्छी खबर है। और ये भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमने यहां पे रिटेल इन्फ्लेशन की बात करी है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करी है, तो जो आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन आता है इसके अंदर कमोडिटीज इंक्लूड करी जाती है, जैसे कि आपका फूड हो गया, जैसे आपका फ्यूल हो गया। ऐसी कमोडिटीज अगर आप देखेंगे फूड और फ्यूल में काफी जल्दी जल्दी इसके प्राइसेस में बदलाव आता है। अगर आप फ्यूल भरवाने जाते हैं, पेट्रोल भरवाने जाते हैं, आपको पता है कि जो प्राइसेस है यहाँ पर एवरीडे बेसिस पे चेंज होते हैं। और यही चीज आपको फूड के केस में भी देखने को मिलती है, जो भी आप मान लीजिए सब्जी खरीद रहे हैं वहां पे जो प्राइसेस हैं एवरीडे बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर ये दो कंपोनेंट जो होते हैं इनको भी इंक्लूड किया जाता है। अब देखो, ये दो कंपोनेंट अगर किसी भी इन्फ्लेशन में, जैसे कि इस केस में हेडलाइन इन्फ्लेशन में इंक्लूड किए जाते हैं, तो क्या हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होगा वो काफी वॉलेटाइल नहीं हो जाएगा? यस, क्योंकि उसके अंदर वॉलेटाइल आइटम्स इंक्लूड हो गई हैं। ऐसी आइटम्स, वॉलेटाइल आइटम्स ऐसी आइटम्स होते हैं जिसमें काफी जल्दी जल्दी बदलाव होता है। तो यहाँ पे फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हेडलाइन इन्फ्लेशन का, यस। और इन्हीं दोनों के अंदर क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बदलाव होता है, आपके हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर भी काफी जल्दी जल्दी चेंजेस देखने को मिलते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर बेसिकली बताया गया है कि काफी जो बास्केट ऑफ कमोडिटीज है उसे कंप्राइज किया होता है। देखिए, ये तो हर जगह ही होता है, काफी कॉमन सेंस वाली स्टेटमेंट थी। जो भी इन्फ्लेशन होगा उसकी अपनी बास्केट ऑफ कमोडिटीज जो है वो होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं, देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन ऐसी एक आइटम है या फिर ऐसा एक टाइप है इन्फ्लेशन की जिसके अंदर वॉलेटाइल आइटम्स भी है, ठीक है। तो इससे जो इन्फ्लेशन पता चलेगा उसमें इस वॉलेटाइल आइटम्स जैसे कि फूड फ्यूल इसका भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। व्हाट इफ कि हमें इन्फ्लेशन पता चल पाता जिसमें इस कंपोनेंट को हम हटा देते, तो तब हम जाते हैं कोर इन्फ्लेशन के ऊपर, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन इन वॉलेटाइल आइटम्स को एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है। पूरी बास्केट ऑफ आइटम्स से जब हम वॉलेटाइल आइटम्स को एक्सक्लूड कर देते हैं तब हमारे पास कोर इन्फ्लेशन आ जाता है। सो हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स वॉलेटाइल आइटम्स, नहीं, हेडलाइन इन्फ्लेशन में तो रादर ये वॉलेटाइल आइटम्स इंक्लूडेड होती है, कोर इन्फ्लेशन के अंदर ये आइटम्स एक्सक्लूड करके फिर उसे कैलकुलेट किया जाता है। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर विल बी ए, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आपको दे भी रखा है कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड करता है, देख सकते हैं कोर इन्फ्लेशन इज इक्वल टू हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड फ्यूल, क्योंकि ये होती है हमारी वॉलेटाइल आइटम्स, ठीक है। और यहां पे न्यूज में दिया हुआ था, तभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया, मार्जिनल फॉल देखा गया यहां पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करता है गटका मार्शल आर्ट के बारे में। गटका मार्शल आर्ट के बारे में पूछा है कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इट्स अ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म एसोसिएटेड विद सिख गुरुज। सिख गुरुज के साथ ये जुड़ी हुई एक मार्शल आर्ट फॉर्म है।
इट इम्बाइब स्वॉर्ड एंड स्टिक्स फाइटिंग स्किल्स एंड सेल्फ कंट्रोल. तो इसके अंदर क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल पे फोकस रहता है, स्टिक्स का यूज किया जाता है और स्किल्स तो ऑफकोर्स इसमें यूज किए जाते हैं अलॉन्ग विद द स्वॉर्ड. हो सकता है इट इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड व्हेन द सिक्स्थ सिख गुरु हरगोबिंद अडॉप्टेड किरपान फॉर सेल्फ डिफेंस. तो ये बिलीव किया जाता है कि जो सिखों के छठे गुरु थे गुरु हरगोबिंद, उन्होंने अडॉप्ट किया था किसको, किरपान को, फॉर सेल्फ डिफेंस. हो सकता है तो यहाँ पे गुरु का नाम दिया है गुरु हरगोबिंद, और यहाँ पे सिक्स्थ गुरु थे या नहीं थे, क्या उन्होंने अडॉप्ट किया था या नहीं किया था, ये सब चीजें एक ही स्टेटमेंट में आपको तीन फैक्ट्स दे दिए गए. सोचिए फिर डिस्कस करते हैं. चलिए आप जानते हैं कि यहाँ पे दिल्ली यूपी बॉर्डर पे भी किसान हैं, और आपके सिंगू बॉर्डर पे भी, जो आपका दिल्ली हरियाणा वाला बॉर्डर है वहां पर भी किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है. तो दिल्ली यूपी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर जो है हमारा, वहां पर कुछ ऐसे किसान थे, उन्होंने यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर गटका मार्शल आर्ट है इसको वो परफॉर्म करते हुए देखे गए थे. कुछ इस तरीके से परफॉर्म करी जाती है, तो इस वजह से क्वेश्चन जो है इसके ऊपर पूछा जा सकता है. देखिए जो कंट्रोवर्सी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फार्म बिल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि इस पर्टिकुलर मार्शल आर्ट का जिक्र हुआ है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. इज इट अ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म एसोसिएटेड विद सिख गुरु, तो यस पहली सेट में आपकी करेक्ट हो जाती है. इसमें स्वॉर्ड्स और स्टिक्स का यूज किया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है. और जो सिखों के छठे गुरु थे गुरु हरगोबिंद जी, उन्होंने कृपान को उठाया था सेल्फ डिफेंस के लिए, तो ये चीज भी हमारी ठीक है. तो आंसर क्या हो जाता है, डी विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए चलते हैं. ओके उससे पहले एक चीज बता देता हूं, क्योंकि यहां पे देखिए सिखों के जो 10th गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने कहा था, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि इट इज कंपलसरी फॉर एवरीवन टू यूज द वेपन्स फॉर सेल्फ डिफेंस. सेल्फ डिफेंस के लिए ये कंपलसरी रहेगा हर किसी के लिए कि वो वेपन्स का इस्तेमाल करे. तो ध्यान रखिएगा दिस वॉज सेट बाय द 10th गुरु. तो 6th गुरु ने क्या किया था, 6th गुरु ने इस मार्शल आर्ट फॉर्म को स्टार्ट किया था, स्वॉर्ड जो थी वो उठाई थी, और 10th गुरु ने क्या किया था, 10th गुरु ने इसे कंपलसरी बनाया था. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. तो सो दिस वाज द न्यूज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020, और आपको बताना है इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है. इट फोकसेस ऑन टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, ये किस चीज पे फोकस करता है, ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करती है. अपने आप में ये पहली ऐसी रिपोर्ट है जिसे निकाला गया 2020 के अंदर, और यहां पर 10 रिकमेंडेशन जो है वो इसके अंदर दी गई है. सोचिए फिर डिस्कस करते हैं. चलिए तो रिसेंटली जो आपकी स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है 2020, इसे लॉन्च किया गया. इस बार का जो थीम था टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग था, इसे लॉन्च किया गया है यूनेस्को न्यू दिल्ली, वर्चुअली इसे लॉन्च किया गया, और यहाँ पे 400 से ज्यादा अटेंडीज थे. तो अलग अलग सेक्शन से लोग थे, गवर्नमेंट से भी थे, अकेडमिया से भी थे, सिविल सोसाइटी से भी थे, वेरियस जो पार्टनर्स थे, यूथ थे, वो भी थे यहाँ पर. और यहाँ पे जैसे नाम ही बता रहे टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जाता है, बट अपने आप में ये दूसरी रिपोर्ट है, पहली रिपोर्ट नहीं है, दिस इज द सेकंड एडिशन, ध्यान रखिएगा. यहाँ पे 10 रिकमेंडेशन दी गई है, बिल्कुल सही है, तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है. और इट फोकसेस ऑन टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, जो कि मैंने आपको इसके थीम में भी बता दिया, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये तीन चीजों पे इस पे फोकस किया जाता है. तो पहली स्टेटमेंट तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर. और जब ये वर्चुअल इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और इसको इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया था, तो यहां पर NPSDE दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 की जो हमारी पॉलिसी है, इसके बारे में भी जिक्र हुआ और बताया गया कि 10 मिलियन यूथ को एनुअली ट्रेन किया जाता है इस पर्टिकुलर पॉलिसी के द्वारा. ठीक है, ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है गैम्बलिंग बैटिंग के बारे में. पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसके बारे में, गैम्बलिंग और बैटिंग के बारे में करेक्ट है. पहली कहती है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 डज नॉट डील विद गैम्बलिंग इन इंडिया. तो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट जो है वो गैम्बलिंग के साथ डील नहीं करता है. हो सकता है सेक्शन 67 ऑफ द आईटी एक्ट 2000 डायरेक्टली इनडायरेक्टली डील्स विद गैम्बलिंग. तो ये पर्टिकुलर एक्ट जो है गैम्बलिंग के साथ डील करता है. गैम्बलिंग इज इन द यूनियन लिस्ट इन इंडिया. तो गैम्बलिंग जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आती है. एंड लोरा कमेटी रेकमेंडेड बैटिंग नॉट टू बी लीगलाइज. तो इसने कहा था इस कमेटी ने कि बैटिंग को लीगलाइज नहीं करना चाहिए. सोचिए फिर डिस्कस करते हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. चलिए शुरुआत करते हैं. तो अगर हम 1867 के पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट की बात करते हैं, तो यस इट डील्स विद गैम्बलिंग. और यहां पे इसने प्रोवाइड किया था कि जो भी पब्लिक गैम्बलिंग या कॉमन गेमिंग हाउसेस होते हैं उसके लिए पनिशमेंट जो है उसका प्रावधान इसके अंदर किया गया था. तो ये जो स्टेटमेंट है कि डज नॉट डील विद, ये तो वैसे ही गलत हो जाती है. अब आते हैं गैम्बलिंग इज इन यूनियन लिस्ट इन इंडिया, क्या यूनियन में है, नहीं
इट इज इन द स्टेट लिस्ट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। लोधा कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी? लोधा कमेटी ने कहा था कि जो गैम्बलिंग है, जो बैटिंग है, इसको आप लीगलाइज कर सकते हैं, तो बैटिंग शुड बी लीगलाइज, ये चीज कही गई थी लोधा कमेटी के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है। लेकिन सेक्शन 67 जो आईटी एक्ट का है, ये डील करता है जो ऑनलाइन गैम्बलिंग, आपने देखा होगा काफी सारी एप्स हैं जो कि इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं वो करवाती हैं, चाहे वो मैचेस को लेकर हो, क्रिकेट मैचेस को लेकर हो, या फिर दूसरी चीजों को लेकर हो। और कई बार जो आपने देखा होगा ऐप स्टोर जो है, गूगल ऐप स्टोर है, वो इसी वजह से, इन्हीं रीजंस की वजह से, क्योंकि गैम्बलिंग एक्टिविटी को एनकरेज करती है ऐसी एप्लीकेशन, वो उनको बैन भी कर देता है। और रिसेंटली हुआ क्या है, जो हमारी हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, उन्होंने एक रिस्पांस मांगा है आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट से कि आप बताएं जो इस तरीके की वेबसाइट्स चल रही हैं जिसमें गैम्बलिंग बेटिंग वेजरिंग किया जाता है, तो उसके बंद करने के लिए जो लोग कह रहे हैं, तो आपका क्या रिस्पॉन्स है उसके ऊपर? तो यहां पर फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बोडोस। बोडोस को लेकर यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज द सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन असम। क्या अपने आप में सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी है असम के अंदर? हो सकता है। डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट कॉल्ड बोडोलैंड वाज रेज्ड अंडर द बैनर ऑफ द प्लेन ट्राइब्स काउंसिल ऑफ असम। तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है, उसके अंडर में यहां पे सेपरेट बोडोलैंड की बारे में डिमांड करी गई थी। सोची, फिर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, न्यूज में क्यों था ये? क्योंकि बोडोलैंड पीपल फ्रंट जो है अभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी निकल के आई है, रिसेंटली वहां पे इलेक्शंस हुए थे और 17 सीट्स जो है वो इनको मिली है, इसके कंसर्निंग बोडोस को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। तो यस, इट इज अ सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन असम, और यहां पे जो सेपरेट स्टेट बोडोलैंड की बात भी करी गई थी वो अंडर द बैनर ऑफ प्लेन्स ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम के अंडर करी गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो ये असम है और लोकेशन आप देख सकते हैं, बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी यहां पर आपको दिए हुए। चलिए, क्रैक यूपीएससी एग्जाम जो हमारी 200 दिन की सीरीज है उसके बारे में मैं आपको 30 टू 40 सेकंड्स में बता देता हूं। सो बेसिकली इन दिस सीरीज आपको पता है कि आपको एनसीईआरटी जो है उससे शुरुआत कराई जा रही है, और उसके बाद आपको बेसिक बुक्स जो है वो इसमें कवर कराई जाएंगी। एवरीडे बेसिस पे आपको क्या मिलता है? आपको मिलते हैं क्विजेस प्रैक्टिस करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि आंसर राइटिंग भी जो है वो आपको डेली बेसिस पे इस पे करनी होती है। देन यू ऑल्सो गेट द मॉक टेस्ट सीरीज, आप चाहें तो इसके सैम्पल वीडियो जो है वो यहां पर जाके देख सकते हैं। सो वुड यू गेट एन आइडिया कि इसके क्लास लेक्चर्स कैसे होने वाले हैं और इसके एमसीक्यू लेक्चर्स कैसे होने वाले हैं, बिकॉज इसमें क्लास लेक्चर्स सेपरेटली हैं, एमसीक्यू लेक्चर सेपरेटली हैं, आपकी पीडीएफ जो है वो अलग से आपको दी जाएंगी। देन माइंड मैप्स जो होंगे वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको दिए जाने वाले हैं। एंड देन आपका रहता है मेन्स आंसर राइटिंग इसके अंदर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस पूरी सीरीज के अंदर। एवरीडे बेसिस पे क्विज जो है वो करना काफी जरूरी होता है ताकि रिविजन जो है वो आपकी हो सके। तो इसके जो सैम्पल वीडियो है उसे चेकआउट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द 3 पार्ट्स ऑफ स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पे 3 पार्ट दिए हैं और आपसे पूछा है कि कौन सा पार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। पार्ट 1 ऑफ द स्कीम कवर्स द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो पार्ट 1 है इस पूरी स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट स्कीम का, इसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कवर किया गया है। पार्ट 2 के अंदर एम किया गया है पुशिंग वेरियस सिटीजन सेंट्रल रिफॉर्म्स इन द स्टेट्स, स्टेट्स के लिए वेरियस सिटीजन सेंट्रल रिफॉर्म्स होने चाहिए, इसके ऊपर फोकस है। एंड पार्ट 3 इज फॉर ऑल अदर स्टेट्स, पार्ट 3 जो है सभी स्टेट्स के लिए। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, पार्ट 1 बिल्कुल सही दिया है यहां पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। पार्ट 2 रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के लिए है। सो दिस इज पार्ट 1, दिस स्कीम कवर्स द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, असिस्टेंस का अमाउंट भी दिया हुआ है। पार्ट 2 जो है ऑल अदर रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के लिए। पार्ट 3 जो है जिसमें सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाना है, ध्यान रखिएगा। बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, इसके अंदर हुआ क्या था आत्मनिर्भर भारत के अंदर। देखिए, जब आत्मनिर्भर भारत पे क्वेश्चन आता है तो ये कंपोनेंट भी आपको लिखना है। सेंटर ने कहा था कि हम 12,000 करोड़ का एक इंटरेस्ट फ्री लोन जो है सभी स्टेट्स को देंगे, ठीक है। तो 12,000 करोड़ का पैकेज देने की बात करी गई है, जिसमें अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग अमाउंट जो है वो यहां पे दिया जाएगा, और ये पूरा अमाउंट रहने वाला है इंटरेस्ट फ्री 50 सालों तक, ठीक है। इससे होगा क्या, कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुकी है हमारी स्टेट्स के अंदर, तो स्टेट्स क्या होगा, इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे उसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को यहां पर दोबारा से स्टार्ट करने के लिए, रीएक्टिवेट करने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, सेकंड और थर्ड इंटरचेंज करके दे रखी है, तो ये इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। और एक और चीज बताऊं, न्यूज में जो चीज मेंशन करी गई थी कि ऑल द स्टेट्स, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन है, उन्होंने इस पर्टिकुलर सर्विस को एक्सरसाइज किया एक्सेप्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु को छोड़कर जितने भी स्टेट्स है उन्होंने स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर ये जो लोन है लिया है, और इसका इस्तेमाल करें ताकि दोबारा से इकोनॉमिक एक्टिविटी को दोबारा से स्टार्ट किया जा सके, दोबारा से रीएक्टिवेट जो है अपने अपने स्टेट के अंदर
सभी स्टेट्स कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन की डिसएडवांटेज कौन सी नहीं है? ठीक है, देखो आप यहाँ पे डबल नेगेटिव दिया हुआ है, इसी वजह से हो सकता है कि पढ़ने में थोड़ा सा लगे आपको, पता नहीं कि आंसर करने में ए बी सी में से करेक्ट बताना है इनकरेक्ट बताना है। तो नॉट अ डिसएडवांटेज में इनका मतलब क्या है, डबल नेगेटिव है तो इट मीन्स दे आर आस्किंग फॉर एडवांटेज, कि इनमें से कौन सी इसकी एडवांटेज है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से डबल नेगेटिव हो कंफ्यूज मत होइएगा, अदरवाइज एग्जाम में पहले ही इतना प्रेशर होता है, इस तरीके की चीजें और भी आपको प्रेशराइज कर सकती है। तो एडवांटेज बेसिकली पूछिए, क्या इससे कॉस्ट रिड्यूस होती है, हो सकती है, पॉपुलिज्म रिड्यूस होता है, रीजनल परस्पेक्टिव प्रमोट होता है, सोचिएगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से क्या फायदे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें कॉस्ट की, क्या कॉस्ट कम होगी, देखिए अगर आपने पीएम को सुना हो तो पीएम जब भी बात करते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन की तो उसमें यही कहते हैं कि कॉस्ट जो होगी इसमें कम होगी, क्योंकि इलेक्शन के ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है और ये जो खर्चा होगा एक ही बार हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इससे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में भी दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, क्योंकि देखिए काफी सारे जो सरकारी मुलाजिम होते हैं उनको इन काम के लिए पूरे के पूरे इलेक्शन को ऑर्गेनाइज कराना पड़ता है, तो उनको अपना काम छोड़ के आना पड़ता है। लेकिन जब इलेक्शन बार बार होते हैं तो ये बार बार चीज करनी पड़ती है, हर साल होते हैं तो हर साल करनी पड़ती है, साल में दो बार होते हैं तो दो बार करनी पड़ती है। लेकिन अगर ये चीज पांच साल में एक बार होती है तो यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी आसानी होगी, यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का जो टाइम वेस्ट होता है वो भी नहीं होगा, पॉपुलिज्म भी कुछ हद तक कम होगा, क्योंकि ऐसा होता है जब इलेक्शन आने वाले होते हैं अलग अलग नेता लोग जो है अलग अलग वादे करने शुरू कर देते हैं और जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसकी बजाय जो पब्लिक डिमांड होती है उसको कंसीड करने की ज्यादा कोशिश करते हैं, वो भी कुछ हद तक इसमें कम होने को मिलेगा। तो ये दोनों तो एडवांटेज होती है, लेकिन देखिए जब स्टेट इलेक्शन होते हैं ना तो एक रीजनल परस्पेक्टिव जो होता है वो उसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होता है, जो कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के अंदर शायद मुमकिन ना हो पाए। सो दिस कैन नॉट बी सेड एज द एडवांटेज। एडवांटेज क्या होगी, जो पहले दो पॉइंट दिए गए, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी उनका टाइम वेस्ट भी कम होगा, ये चीज भी आप मेंशन कर सकते हैं। एंड देन मेंस के परस्पेक्टिव से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। देखिए रिड्यूस कॉस्ट ये मैंने आपको बता दिया, पॉपुलिज्म कम होगा ये भी मैंने आपको बता दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम कम वेस्ट होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। नेशनल परस्पेक्टिव आएगा, अभी क्या है कि जब स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो फिर वो एक परस्पेक्टिव नेशनलिस्ट परस्पेक्टिव जो होता है वो कम हो जाता है, फिर लोग स्टेट के बारे में सोचने लगते हैं, फिर आइडेंटिफाई अपने आपको स्टेट के साथ करने लगते हैं जब ये इलेक्शन अलग अलग होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ओवर आर्चिंग एक लार्जर एक नेशनल परस्पेक्टिव जो है उसको भी यहां पे इंश्योर किया जा सकेगा अगर इस तरीके से इलेक्शन नहीं होते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि वोट बैंक के लिए और काफी छोटी छोटी पार्टीज जो हैं वो भी यहां पे मशरूम हो जाती हैं, और इससे एक फायदा ये भी होगा कि जो छोटी छोटी पार्टीज अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए आ जाती हैं, नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव जितना ज्यादा होगा जितना स्ट्रांग होगा उतनी ये जो छोटी छोटी पार्टीज अननेसेसरी घुस जाती हैं पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, वो चीज रोकी जा सकेगी। और जो सच में जो देश के फायदे के लिए पार्टीज सोचती हैं, ऐसी पार्टीज जो देश के फायदे के लिए काम करती है अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए नहीं आती है, वो जो होंगी वो स्ट्रेंथन हो पाएंगी और वो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव भी कर पाएंगी। यहां पे फेडरलिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और स्टेबिलिटी भी आएगी। स्टेबिलिटी किस तरीके से, क्योंकि देखिए पांच साल में एक बार इलेक्शन होना है तो आप जानते हैं कि अगर नेक्स्ट ईयर भी इलेक्शन होना हो तो गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीजों को करने के बजाय जो लोग मांग करते हैं उन चीजों को करने लग जाते हैं। देखिए दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है यू हैव टू डू द राइट थिंग एंड वर्सेस व्हाट इज डिमांडेड बाय पीपल, समटाइम्स दे आर सेम। कई बार तो जो लोग डिमांड करते हैं और जो सही चीज होती है वो सेम होती है, उस केस में डिसीजन लेना होता है आसान। लेकिन कई बार होता है कि जो चीज लोग डिमांड करते हैं और जो चीज सही होती है करना वो अलग अलग होती है, और वहां पर एक ट्रूली पॉलिटिकल इंडिविजुअल की पहचान होती है। अगर सच में ही कोई बंदा कोई इंडिविजुअल पार्टी से अपने अल्टीरियर मोटिव से ऊपर उठ के सोचेगा तो वो राइट डिसीजन लेना पसंद करेगा। लेकिन आजकल जो देखा जाता है ज्यादातर लीडर्स जो हैं वो जो पब्लिक डिमांड होती है उसके प्रेशर में आ जाते हैं और राइट डिसीजन जो होता है वो नहीं ले पाते, खासतौर पर जब उनको पता है कि छह महीने के बाद इलेक्शन है, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, इस चीज के प्रेशर में आके। लेकिन अगर इलेक्शन पांच साल में एक बार होने हैं तो वो इंडिविजुअल भी कहेगा कि आई हैव टू टेक द राइट डिसीजन, पांच साल के बाद जो होगा देखा जाएगा। तो जो यहां पे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो विदाउट एनी प्रेशर ऑफ द पीपल सही डिसीजन लेना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर कोई भी इलेक्शन की तलवार नहीं लटक रही है। तो इस तरीके से साइमल्टेनियस इलेक्शन के कुछ एडवांटेजेस जो है वो मैंने आपको बता दी। आज का जो मेंस क्वेश्चन होगा वो भी इसके बारे में रहेगा। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसकी, ऐसा नहीं है, लेकिन एडवांटेजेस जो है पर्सनली मुझे ऐसा लगता है इसकी ज्यादा है और इसको एक ट्रायल बेसिस पे शुरू किया जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं 3D प्रिंटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट 3D प्रिंटिंग को लेकर सही है। पहली कहती है इट यूजेस कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग टू मेक प्रोटोटाइप्स और वर्किंग मॉडल ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है, कैड जो होता है आपका
कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग जो होती है उससे प्रोटोटाइप्स जो है वो बनाए जाते हैं। इट लेज डाउन सक्सेसिव लेयर्स ऑफ मटेरियल सच एज प्लास्टिक, रेसिन, थर्मोप्लास्टिक, मेटल फाइबर और सेरामिक का इसके अंदर इस्तेमाल होता है। एंड जापान रिमेन्स द ग्लोबल लीडर इन 3D प्रिंटिंग विद मोर देन 35% मार्केट शेयर। तो जापान इसके अंदर लीडर है, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो अभी हमारी गवर्नमेंट ने 3D प्रिंटिंग पॉलिसी जो है ये लोकल फर्म्स के लिए तैयार करी है, इससे हम ग्लोबल मार्केट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो है जो हमारी 21st सेंचुरी के बाद 22nd सेंचुरी जो है वहां पे 3D प्रिंटिंग का जो इस्तेमाल है बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और जो वेरियस प्रोडक्ट्स भी बनाए जाएंगे उसमें 3D प्रिंटिंग का कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। आज के टाइम पे भी अगर आप देखें घरों में भी 3D प्रिंटर्स यूज किए जा रहे हैं छोटे छोटे आइटम्स बनाने के लिए, जैसे आपके मोबाइल फोन के जो बैक कवर्स होते हैं लोग इसको भी घर पे बैठ के ही बना रहे हैं, या फिर छोटी छोटी जो आइटम्स होती हैं आपकी जैसे प्लास्टिक टेबल हो गई, प्लास्टिक बॉक्स हो गया, हेयर कॉम्ब हो गई, इस तरीके के आइटम्स तो आज के टाइम पर भी घर पे बनाए जा सकते हैं यूजिंग द 3D प्रिंटर। तो यहां पे आपकी जो स्टेटमेंट देखते हैं पहली, क्या कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग से प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट, इसमें जो मटेरियल है फाइबर से लेके सेरामिक, मेटल, रेसिन, प्लास्टिक का यूज किया जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो नंबर वन लीडर है आप कह सकते हैं यूएसए रिमेन्स द ग्लोबल लीडर इन 3D प्रिंटिंग और 35% मार्केट शेयर जो है इसके पास है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया है शक्ति बिल हैज बीन टेबल बाय विच स्टेट। तो शक्ति बिल अभी कहां पर लाया गया है, आंध्र प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश के अंदर, सोचिए। चलिए तो आंसर हमारे यहां पे क्या है, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे शक्ति बिल को लाया गया है और ये एग्जैक्टली सेम लाइंस पे, जैसे कि आपको याद होगा कुछ टाइम पहले आई थिंक लास्ट ईयर ही आंध्र प्रदेश के अंदर दिशा बिल आया था, ठीक है, तो उसी लाइन पर ही शक्ति बिल लाया गया जिसमें कि वायलेंस अगेंस्ट विमेन जो है उसको काफी सीरियस तरीके से देखा जाएगा, ताकि इस तरीके के जैसे एसिड अटैक हो जाता है, रेप विक्टिम्स होते हैं, इस तरीके के पहले तो क्राइम कम किए जा सके और जो आगे विक्टिम्स होते हैं उनको यहां पर जितनी भी हेल्प गवर्नमेंट के द्वारा दी जा सकती है वो दी जा सके, चाहे वो कॉम्पनसेशन के रूप में हो या फिर किसी दूसरी तरीके से हो। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो ओरिजिन है वो भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हुआ है, और इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होंगी वो भी बनाई जाएगी ताकि जल्दी से जल्दी उनको जो जस्टिस है वो भी डिलीवर किया जा सके, वुमेन एंड चिल्ड्रन, और इवन आईटी को भी इसमें इंक्लूड किया गया, जैसे कि अगर ऑनलाइन किसी भी तरीके का थ्रेटनिंग होता है, अगर वुमेन को किसी भी तरीके से थ्रेटन या इंटिमिडेट किया जाता है तो वहां पर भी 2 साल की सजा का प्रावधान रखा गया और 1,00,000 रुपए का फाइन जो है वो रखा गया। तो ध्यान रखिएगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल, आप अगर मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है विमेन के ऊपर तो शक्ति बिल, दिशा बिल के बारे में जरूर मेंशन करिएगा, और किस स्टेट से आते हैं वो स्टेट का नाम भी जरूर बताइएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि मिरिस्टिका स्वाम्प ट्री फ्रॉग के बारे में पूछा गया। मिरिस्टिका स्वाम्प ट्री फ्रॉग के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। न्यू स्पीसीज होती है तो आपके साइंस एंड टेक में जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। दीज आर एंडेमिक टू द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में एंडेमिक है ये, हो सकता है। दे लिव ओनली ऑन लैंड, सिर्फ लैंड पर रहते हैं ये। दे आर एक्टिव ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, तो एक्टिव कब होते हैं, ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, कुछ हफ्तों के लिए, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं, अगर हम पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करें तो यस दे आर एंडेमिक, बट दे आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, तो यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। और ज्यादातर ये ट्रीज पर रहते हैं, एक ट्री से दूसरे ट्री पे शिफ्ट होते रहते हैं, लैंड पे कमी आते हैं, ऑफकोर्स देखे जाएंगे बट ज्यादा नहीं। सो दे लिव ऑन द ट्रीज, मैं आपको अभी इसकी एक इमेज भी दिखाऊंगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, बट यस ड्यूरिंग द मेटिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर ही वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए स्पीसीज कुछ इस तरीके से है। चलिए तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और अभी हम करेंगे 2 मिनट के अंदर अपनी एक्टिव रिवीजन, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो भी चीजें अभी हमने डिस्कस करी है। लाइव देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा लाइव सेक्शन के अंदर, अदरवाइज वैसे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए मैंने आपको हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में बताया था, बताइए कौन से 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में एड किए जाते हैं, कौन कौन से थे जल्दी से बताएं मुझे। यस, फूड और फ्यूल, क्यों इनको ऐड किया जाता है, इसका बेसिक फीचर क्या है, बेसिकली दे आर वेरी वोलेटाइल, काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, और कौन से 2 फैक्टर ऐसे हैं जो कि कोर इन्फ्लेशन में नहीं लिए जाते, जल्दी से बताएं। यस, तो ये जो फॉर्मूला है याद रखिएगा फूड एंड फ्यूल का। चलिए अभी रिसेंटली एक मार्जिनल डाउन डिप देखा गया तभी ये न्यूज में था। जल्दी से नेक्स्ट मार्शल आर्ट के बारे में बताया, गटका मार्शल आर्ट कौन से गुरु ने बताया था, नंबर क्या था गुरु का और गुरु का नाम क्या था, बताइएगा। यस, 6th सिख गुरु हरगोविंद जी ने बताया था, और किस गुरु ने कहा था कि अब ये जो सेल्फ डिफेंस के लिए हम यूज करते हैं स्वॉर्ड, इसको कंपलसरी कर देना चाहिए। तो कौन थे सिखों के, कौन से गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे, ध्यान रखिएगा। नाम क्या था जल्दी से बताएं, 10वें गुरु का नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। करेक्ट आंसर गुरु गोविंद सिंह। चलिए इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था
स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के बारे में। तो कौन से नंबर की रिपोर्ट है, कौन सा एडिशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जल्दी से बताएं। इसमें बेसिकली टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में बात करी गई है और 10 रिकमेंडेशन दी गई है। दिस इज द सेकंड सच रिपोर्ट। चलिए, इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था गैम्बलिंग बेटिंग के बारे में। क्या लोधा कमेटी ने बेटिंग को अलाउ किया था या मना किया था, लीगलाइज करने के लिए कहा था या क्या कहा था, जल्दी से बताएं। और हमने यहां पे आईटी एक्ट के बारे में देखा था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसे रिलेट करता है और कहा गया है कि ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं जो इस तरीके की एक्टिविटीज कर रही हैं उसके कंसर्निंग दिल्ली गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। तो यहां पे लोधा कमेटी ने कहा था कि इसे लीगलाइज किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। देन हमारा डिस्कशन हुआ था बॉर्डर्स को लेकर, स्टेट का नाम बताएं जहां पे सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है, सो द नेम इज असम। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको मैप के ऊपर भी दिखाया था। क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमने डिस्कशन किया था स्पेशल असिस्टेंस ऑफ स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। जल्दी से मुझे बताएं कि पूरे पैकेज का अमाउंट कितना जो कि सेंटर देने वाला है वेरियस स्टेट्स को, कितना पैकेज था? यस, 12,000 करोड़ का पैकेज है, 50 साल का ये इंटरेस्ट फ्री लोन रहने वाला है। और कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने इस फैसिलिटी को अब तक यूज नहीं किया है, जल्दी से बताएं। पार्ट वन में नॉर्थ ईस्टर्न आते हैं, पार्ट टू में दूसरे स्टेट्स आते हैं और अभी तक तमिलनाडु ने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। फिर हमने देखा था एडवांटेजेस, मैंने आपको वेरियस एडवांटेजेस बताई थी और मेंस के हिसाब से भी आपको यहां पर समझाया था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि था 3D प्रिंटिंग के बारे में, कौन सी कंट्री नंबर वन पे थी मार्केट शेयर के हिसाब से, सो इट वॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ध्यान रखिएगा। इसका इस्तेमाल किया जाता है और हमारे यहाँ पे हमारी पॉलिसी भी आ चुकी है 3D प्रिंटिंग को लेकर, इस वजह से क्वेश्चन बनाया गया था। शक्ति बिल का नाम बताएं और दिशा बिल कहां से, ये बताएं। शक्ति बिल इज बेस्ड ऑन दिशा बिल और यहां पे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को रोकने के लिए बात करी गई है और ये जो है कौन लाया है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इसे लेकर आया है, ध्यान रखिएगा। फिर हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कशन किया था मेरिस्टिका स्वाम्प ट्री फ्रॉग के बारे में और यहां पे मैंने आपको बताया था वेस्टर्न घाट से आते हैं और कहां पे रहते हैं, ये जल्दी मुझे बताएं। पानी में रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, कहां रहते हैं? यस, दे लिव ऑन ट्रीज, ज्यादातर पेड़ों पे ही रहते हैं और मेटिंग सीजन में ही ये नीचे ग्राउंड पर आते हैं। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और यहां पर क्वेश्चन का जो आपको आंसर करना है, लास्ट में हमने डिस्कस किया था स्वाधीनता सड़क के बारे में, बताइएगा स्वाधीनता सड़क किन दो कंट्रीज के बीच में बनाई जा रही है। ये लास्ट टाइम हमने लास्ट टाइम के जो क्वेश्चंस थे एमसीक्यू वहां पे डिस्कस किया था, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करिएगा इफ यू वांट टू विन द फ्री पीडीएफ। चलिए मेंस का क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए मेंस का एक बार क्वेश्चन देख लीजिए जिसका आपको आंसर करना है। सो डू यू थिंक साइमल्टेनियस इलेक्शंस विल हेल्प आवर कंट्री टू बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड आवर पॉलिटिशियंस टू बी मोर प्रैग्मेटिक। तो आपको लगता है कि जो हमारी कंट्री है वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन कराते हैं और हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं अपनी अप्रोच के अंदर? इस पे आपको कमेंट करना है और 150 वर्ड्स में इसका आंसर करिएगा। पीयर एवेल्यूएशन के लिए इस ग्रुप के अंदर सबमिट कर दीजिएगा, अदरवाइज जो 365 कोर्स के सब्सक्राइबर्स हैं वो अपने डैशबोर्ड के ऊपर इसे सबमिट कर दीजिएगा। चलिए लास्ट टाइम के जो हमारे विनर हैं वो हैं RRS, आप मुझे बता दीजिएगा @prince_luthra के ऊपर कि आपको जो पीडीएफ चाहिए वो हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में मैं आपको टेलीग्राम पे ही रिवर्ट कर दूंगा। अगर 6 या इससे ज्यादा स्कोर किया देन यू आर इन द सेफ जोन, लेस देन 6 है तो दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा और अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और पीडीएफ जो है वो आपको 10 PM पे शेयर कर दी जाती है टेलीग्राम के ऊपर। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।